नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। सियासत का हर समीकरण बताएंगे, राजनीति का हर राज खोलेंगे, हर मुद्दे पर मुखरता से बोलेंगे, खबर की तह तक जाएंगे। यहां कोई राज राज नहीं रहेगा, हर आवाज का असली अर्थ निकलेगा, हर सियासी चाल पर चर्चा होगी, हर झंडे और हथकंडे का असली रंग पहचानेंगे और राजनीति के भीतर की राजनीति जानेंगे। तो शुरू करते हैं राजनीति। समाजवादी पार्टी में टिकट फाइनल कौन करेगा, यह अब तक फाइनल नहीं। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर माथा पच्ची है। टिकट बंटवारे में किसकी क्या भूमिका होगी, इसे लेकर अभी तक कंफ्यूजन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब के पास फाइनल फॉर्मूला है। रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रत्याशियों को शॉर्ट लिस्ट कोई भी करे, लेकिन लिस्ट को फाइनल तो मैं ही करूंगा। ये नेताजी से पूछिए, पार्टी का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी, जो तय करता है टिकट, तो भूमिका नहीं हो, भूमिका तो अंतिम हमारी ही हो। अभी तक ये ही तय नहीं कि समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कौन करेगा, प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी मुहर किसकी होगी। समाजवादी पार्टी में इसी बात को लेकर तकरार है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब टिकट बंटवारे का फॉर्मूला दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि सपा के टिकट वितरण में आखिरी फैसला उनका ही होगा। ये नेताजी से पूछिए, पार्टी का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी, जो तय करता है टिकट, तो भूमिका नहीं हो, भूमिका तो अंतिम हमारी ही हो। प्रोफेसर साहब के बयान के बाद समाजवादी परिवार में कुछ दिनों से थमा महासंग्राम टिकट बंटवारे पर फिर मुखर हो सकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मांग करते हैं कि टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते शिवपाल के पास भी टिकट बंटवारे का हक है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तो पार्टी के सर्वे सर्वा है। अब प्रोफेसर साहब भी लिस्ट फाइनल करने वालों के लिस्ट में जुड़ गए हैं। ये नेताजी से पूछिए, पार्टी का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी, जो तय करता है टिकट, तो भूमिका नहीं हो, भूमिका तो अंतिम हमारी ही हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने परिवार का महासंग्राम थामने का जब भी प्रयास किया, टिकट बंटवारे में अधिकार का मुद्दा उठा। अब एक बार फिर पार्टी उसी तो अंतिम हमारी ही हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने परिवार का महासंग्राम थामने का जब भी प्रयास किया, टिकट बंटवारे में अधिकार का मुद्दा उठा। अब एक बार फिर पार्टी उसी राह पर खड़ी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी में लिस्ट फाइनल कौन करेगा, और टिकट बंटवारे को लेकर तकरार निश्चित है। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को अखिलेश यादव से राय सलाह कर टिकट बांटने का इशारा किया था, जिसके बाद शिवपाल ने सबसे चर्चा कर टिकट बांटे जाने की बात कई बार दोहराई। लेकिन समाजवादी पार्टी में फिर से वापस आने के बाद प्रोफेसर साहब का बयान फिर से आग में घी डालने का काम किया है। कहा जा रहा है मुलायम सिंह यादव ने समय रहते दखल नहीं दिया तो ठंडा हो गया महासंग्राम, फिर शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चुनाव से पहले गुटबाजी किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। समाजवादी पार्टी में तो ये खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मऊ में नए जिलाध्यक्ष ने कमान संभाली है तो पुराने जिलाध्यक्ष नाराज हो गए हैं, और नतीजा ये कि जिले में सपा दो फाड़ नजर आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले क्यों पंचर हुई साइकिल, जिलाध्यक्ष बदलने से पार्टी में टेंशन, समाजवादी पार्टी में क्या सब ठीक है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, कुछ यही हाल समाजवादी पार्टी का है। मऊ में जैसे ही जिला अध्यक्ष को बदला गया, ठीक ठाक चल रही साइकिल एक झटके में ही पंचर हो गई। नए जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने जैसे ही कमान संभाला, पुराने जिला अध्यक्ष जैसे कोप भवन में चले गए।
नए जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पुराने ने उससे भी दूरी बना ली। साथ ही विधायक एमएलसी सहित कई बड़े नेता भी नदारद ही रहे, लेकिन नए जिलाध्यक्ष अकेले ही पार्टी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस उम्मीद से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं। हम दोबारा मऊ जनपद में चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी चारों की चारों सीटें जीते। एक घर में दो पद हो गया था तो इसलिए इनको खुद ही उस पद को छोड़ना था, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पद है और उस सारी व्यवस्था को दोनों मियां भी मिलके देखते हैं और अपनी पत्नी का वो सहयोग करते हैं और क्षेत्र में दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जिला अध्यक्ष के पद को भी संभालना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए उनको बहुत पहले ही बात आई थी मेरे जानकारी में और ये किया गया है और जिला अध्यक्ष साधु यादव को बनाया गया। पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रहा है। कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के करीबी धर्म प्रकाश यादव को हटाकर ही शैलेंद्र यादव को नया जिलाध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद से ही नए जिलाध्यक्ष और पुराने जिलाध्यक्ष के बीच ठन गई है, जिससे जिले में समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई है। अब विरोधी भी समाजवादी पार्टी पर चुटकी ले रही है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं तो दूसरे गुट का नेतृत्व श्री शिवपाल सिंह यादव जी कर रहे हैं। चूंकि संगठन शिवपाल जी यादव जी के हाथ में है, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए वे पूरे प्रदेश में एक एक करके अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बना रहे हैं और अखिलेश यादव से जुड़े हुए लोगों को हटा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मऊ को भी लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है, जो उनके मुखिया हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, चाहे शिवपाल यादव जी हैं, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। एक तरफ तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं आपस में लड़के, और कार्यकर्ताओं को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी अब बुझता हुआ चिराग हो गया है। बहुत ही जल्दी समाजवादी पार्टी आने वाले 17 के चुनाव में उसका पतन हो जाएगा। नए जिलाध्यक्ष बनाम पूर्व जिलाध्यक्ष की जंग पार्टी दो गुटों में बट गई है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले गुटबाजी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चुनाव से पहले मनमुटाव नहीं मिटा फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजेंद्र सैनी, मऊ समाचार प्लस। अब अपना अपना ना रहा, कहने को तो बीजेपी और अपना दल के बीच गठबंधन है, लेकिन जो तस्वीर प्रतापगढ़ में दिखी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहां कमल वाली पार्टी अपनों पर ही सितम ढा रही है, परिवर्तन यात्रा के दौरान इलाके के सांसद को ही रथ पर चढ़ने से रोक दिया, नारेबाजी तक की और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। अपना दल अपना ना रहा, परिवर्तन यात्रा में एक ऐसा परिवर्तन, रथ पर चढ़ने की मनाही क्यों, अपनों पर ऐसा सितम क्यों। अपने ही सांसद के खिलाफ नारेबाजी, अपनों के साथ ही धक्का मुक्की, अपनों के खिलाफ ही शोर शराबा, ये नजारा है प्रतापगढ़ का, जहां अपना दल से सांसद हरिवंश के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, रथ पर चढ़ने से रोक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ में परिवर्तन यात्रा के स्वागत के दौरान अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में जमकर अनुशासनहीनता देखने को मिली। दल से दल तो मिला, लेकिन लगता है दिल से दिल नहीं। यूपी में जिस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उसी पार्टी के नेताओं को रथ से नीचे खींच रहे हैं, मारपीट की कोशिश भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल से गठबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है, और गठबंधन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और इसी नजरिए से परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने सहयोग किया और उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने अनुशासनहीनता दिखाई है और इसका संज्ञान हमने ऊपर नेतृत्व दिया है और ऊपर का नेतृत्व है इस पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन बीजेपी तस्वीरों को भी झूठ लाने में लगी है।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बीजेपी है कि अनुशासन की बात कर रही है, कह रही है कि ये भी बीजेपी का ही लोकतंत्र है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे, वहाँ कोई इस प्रकार की अभद्रता नहीं हुई। हाँ, ये सही है कि कुछ सामान्य कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने वोट दे करके हरबंस सिंह को, सांसद जी को जिताया है, उनमें कुछ कामों को, कार्यों को लेकर के आक्रोश था, जैसे उनका क्षेत्र में कम उपस्थित होना या कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करना, इसको लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ में कुर्मी वोटरों पर अपना दल की मजबूत पकड़ है और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने ये साबित भी किया है। लेकिन परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने अपनों पर सितम किया, वो गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं। शिव मोहन शुक्ला, समाचार प्लस, प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। युवा सम्मेलन में पकड़ पकड़ कर लोगों को जुटाया गया, लेकिन फिर भी सम्मेलन में आधी कुर्सियां खाली ही रह गईं। हद तो तब हो गई जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भाषण देने आए तो भाषण के बीच में ही कार्यकर्ता उठकर जाने लगे। युवा सम्मेलन से भीड़ गायब, कन्नौज में खाली रह गईं कुर्सियां। जोर आजमाइश के बाद भी नहीं जुटी भीड़। भीड़ कम देख बीजेपी नेताओं के छूटे पसीने। कोशिश तो पूरी थी भीड़ जुटाने की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर्द मौसम में भी पसीना बहाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए दिन भर मेहनत का नतीजा। एक बार पूरे मैदान पर नजर डाल दीजिए, जहां नजर जाएगी खाली कुर्सियां ही नजर आएंगी। देखिए गिने चुने लोग ही नजर आएंगे, हर तरफ एक ही नजारा, वो भी तब जब इस कार्यक्रम की तैयारी काफी पहले से किया गया था। मौका था कन्नौज में युवा सम्मेलन का, शायद बीजेपी समाजवादियों के गढ़ में जमीन तलाशने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन सम्मेलन में भीड़ जुटी ही नहीं, बल्कि बीजेपी का युवा सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। पूरे मैदान भरने की बात तो दूर, मैदान में मौजूद आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी रही। जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में भीड़ कम देखकर बीजेपी नेताओं के पसीने छूटते रहे। इसी वजह से सम्मेलन का आगाज देर से हो सका। सम्मेलन स्थल SPS ग्राउंड से संयोजक पल पल की खबर बड़े नेताओं को देते रहे। मंच से बार बार कार्यकर्ताओं को कुर्सियों पर बैठने की ताकीद दी गई, लेकिन आखिर तक भरी नहीं। हम युवाओं को बढ़ाने की बात करते थे, युवा सम्मेलन हमने किए, उन्होंने भी युवा सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन युवाओं ने दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हजारों युवा भारी संख्या में समाजवादी सम्मेलन में आए, और क्या कारण हुआ, यहाँ क्यों नहीं आए? जिस तरीके से और जगह भी इनके फ्लॉप रहे हैं, उसी तरीके से कन्नौज का भी फ्लॉप है। युवा सम्मेलन की शुरुआत का समय सुबह 11 बजे रखा गया था। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में कार्यकर्ता बेसब्री से जुटे थे। इस बीच पता चला कि दोनों नेता नगर में पहुंच चुके हैं। इस पर सभा स्थल का जायजा लिया गया तो सबके हाथ से तोते उड़ गए, या आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आईं। इस पर थोड़ी देर में बड़े नेताओं को बुलाने पर सहमति बनी। करीब 2:30 बजे मुख्य अतिथि मंच पर पहुंचे तो स्वागत की होड़ लग गई। इस दौरान मंच के दाईं तरफ कुर्सियां 70% भर गईं, लेकिन बाईं तरफ के हालात खराब रहे। संचालक बार बार माइक से युवाओं को बुलाते रहे। सड़क पर कुछ लोग खड़े रहे, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी कुर्सियों तक नहीं पहुंचे। हैरानी की बात तो तब हुई जब पंकज सिंह ने अपना भाषण शुरू किया तो लोग उठकर जाने लगे। जैसे तैसे पंकज सिंह ने जल्दी जल्दी अपना भाषण खत्म किया, यानी कन्नौज में पूरी तरह से बीजेपी का युवा सम्मेलन फ्लॉप रहा। पार्टी ने शक्ति परीक्षण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन लगता नहीं कि सपा के गढ़ में बीजेपी की दाल गलने वाली है। अमित मिश्रा, कन्नौज, समाचार। यूपी में दलितों को अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है। कांग्रेस दलित यात्रा चला रही है, अलग से दलितों के लिए मैनिफेस्टो भी है, लेकिन कांग्रेस की दलित यात्रा यूपी में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रही है। दलित को लुभाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दलित खुद इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं।
कांग्रेस से दलितों का मोह भंग। अब कांग्रेस का जादू नहीं चलेगा। कांग्रेसियों के क्या कहने, 27 साल से सूबे में बेहाल है लेकिन ताल कुर्सी तक ठोक रहे हैं। यूपी में जमीन तलाश रही कांग्रेस को अब दलितों से आस है। नजर बसपा के दलित वोट बैंक पर है। इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अब यात्रा निकाल रही है। हर जिले में यात्रा के लिए दो दो चार पहिए वाहन भेजे हैं लेकिन कांग्रेस की दलित यात्रा फ्लॉप साबित नजर आ रही है। हर जिले में, हर दलित बस्ती में जाने के लिए और दलित कॉन्स्टिट्यूशन में जाने के लिए, घर घर जाने के लिए प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है, कांग्रेस पार्टी का आज तक आपके लिए क्या सहयोग रहा है और कांग्रेस पार्टी की नीयत और नीति आपके लिए आज तक भी उसी तरह से है कि आपको मजबूत करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने दलितों को लुभाने के लिए दलित यात्रा की शुरुआत की है जिसमें दलितों से कई तरह के वादे किए गए हैं, जिसमें केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, घर से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सभी ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय की व्यवस्था और दलितों को 2,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया गया है। इतने वादे करने के बावजूद भी कांग्रेस की इस यात्रा से दलितों में कोई उत्साह नहीं है। कांग्रेस ने जो भी ये यात्रा चलाई है ये सिर्फ चुनाव के समय अम्बेडकर जी याद आए हैं और सिर्फ बरगलाने के लिए ये सब किया जा रहा है और इससे जो है दलितों कोई भी बेनिफिट नहीं होना है। कांग्रेस केवल एक ढोंग बना करके अपने काम को आग और वोट के लिए दलितों को लुभाती है। दलितों के घर रोटी खाने के लिए झोपड़ियों में जाती है। आज तक के रिकॉर्ड में इन्होंने शासन किया, दलितों के लिए केवल लुभावन के अलावा कोई काम नहीं किया। उनके लिए केवल आरक्षण के नाम पर ये वोट मांगते रहे और आरक्षण आज तक इनका पूरा नहीं किया। कांग्रेस की ये दलित यात्रा 50 दिनों तक चलेगी जिस दौरान 100 दलित रथ 5,000 से अधिक दलित बहुल गांव में घूमेंगे और कांग्रेस के दलित मैनिफेस्टो का प्रचार करेंगे। हालांकि लगता नहीं कि इस यात्रा का असर दलितों पर होने वाला भी है। अनिल वर्मा शेखर, फरुखाबाद समाचार। राजनीति में आज बस इतना ही।